हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सीएचएसएल की तैयारी कैसे करें। आखिर हम एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, इसी पर मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। ट्वेल्थ पास आउट करने के बाद सभी स्टूडेंट में ये रहता है कि मैं किस तरह से एक सरकारी जॉब ले पाऊं और ट्वेल्थ के बाद मैं किस तरह से प्रिपरेशन करूं कि मुझे एसएससी के थ्रू सीएचएसएल का एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए और मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। चल फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ये आपके लिए है, आपके फ्यूचर को ये ब्राइट कर सकता है। अगर इतना अगर आपने कंटेंट समझ लिया तो मान के चलिए कि सीएचएसएल का एग्जामिनेशन निकालना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर सीएचएसएल है क्या। व्हाट इज द सीएचएसएल, सीएचएसएल क्या है। फ्रेंड्स, अगर सीएचएसएल की बात करें तो इसकी पूरी फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी ट्वेल्थ के बाद बच्चे सरकारी जॉब के लिए इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, इसलिए इसको पूरी तरह से नाम दिया गया है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी ट्वेल्थ के बाद सीधे सीधे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी के थ्रू आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। सीएचएसएल के थ्रू अगर बात करें तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हैं या डिपार्टमेंट है उनमें ये एज ए क्लैरिकल ग्रेड की जॉब है। यानी सीधे सीधे आप कहें सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर क्लर्क की जॉब आपको परमानेंट रूप से करनी है तो आपको सीएचएसएल का एग्जामिनेशन निकालना होगा। आई होप समझ में आ गया हो। अब समझते हैं कि सीएचएसएल के लिए क्या योग्यताएं हैं, इसमें क्या एज चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें एज की बात करें, अगर आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। दूसरा, आपकी क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ पास आउट होनी चाहिए। आप पूरी तरह से ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया हो, यानी इसमें दो चीजें सबसे मैंडेटरी हैं। पहला, 18 से 27 साल के बीच में हो, क्वालिफिकेशन आपकी ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं तो आयोग के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है या दिया जाता है। ये नोट कर लीजिए अच्छी तरह से कि अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या हैंडीकैप है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर नोटिफिकेशन। आई होप कि आप लोगों ने यह समझ लिया हो कि क्या क्वालिफिकेशन और क्या एज हमें चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सीएचएसएल का अगर एग्जामिनेशन निकालना हो तो आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या है। फ्रेंड्स, तीन स्टेप है सीएचएसएल निकालने के लिए। आपके पास तीन स्टेप है, पहला टीयर वन, दूसरा टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड। यहां पर अगर मैं एसएससी सीएचएसएल के टीयर वन एग्जामिनेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स, सीएचएसएल के टीयर वन एग्जाम का पैटर्न भी अगर समझना हो तो ध्यान से समझें। फ्रेंड्स, यहां पर आपके टीयर वन में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। देखिए यहां पर 100 दिया हुआ है, 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अगर 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो अगर जोड़ दिया जाए 100 × 2 तो 200 नंबर का हो गया, यानी 200 नंबर का पेपर होगा। ये कंफर्म है टीयर वन में। 200 नंबर में हर एक सेक्शन से 50-50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि अगर क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे, जबकि मार्क्स होगा 50। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें मार्क्स कितने होंगे, 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के सेक्शन से भी 25 क्वेश्चन, मार्क्स 50।
इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इंग्लिश के सेक्शन से 25 क्वेश्चन, मार्क्स कितने होंगे 50। यानी यहां आपको समझना होगा कि आपके पास टीयर वन में 100 क्वेश्चन 25 नंबर के चार सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि टोटल मार्क्स 200 का होगा। ये पूरी तरह से कंप्यूटर पर बेस्ड क्वेश्चन होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरली प्रेजेंट टाइम में टीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। अगर टीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है तो आपको देखा जाए तो आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आपने यहां पर 200 में से 130 प्लस स्कोर कर लिया तो टीयर वन एग्जामिनेशन आपका क्रैक हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगर 130 मार्क्स अगर आप ले आए तो टीयर वन एग्जामिनेशन क्रैक होगा, यानी पहला चरण का आपने एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया। इस एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद, टीयर वन क्रैक करने के बाद, आपके पास दूसरा स्टेप आएगा टीयर सेकंड। टीयर सेकंड में फ्रेंड्स आपको हैंड रिटन आपको लिखना होगा। यहां पर आपको एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और सामान्यता एप्लीकेशन लिखने के लिए दिए जाएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा। यहां पर जो एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग जो आपको कराई जाएगी ये 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट यानी एक घंटे का समय दिया जाएगा। एक घंटे के अंदर ये आपको एग्जाम कंप्लीट करना होगा, अपना पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। रिटर्न में हो सकता है कि सोशल मैटर पे ऐसे हो सकता है पॉलिटिकल मैटर पे हो, या कोई हो सकता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक दे दें और उस पर आपको ऐसे राइटिंग करना हो। लेटर के संदर्भ में हो सकता है कि आप अपने अथॉरिटी को एक लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन टीयर सेकंड में पूछे जाते हैं। यहां पर अगर आपने एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया, अगर यहां पर आपने 50 प्लस मार्क्स ले आए तो आपका टीयर सेकंड एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। जब ये दोनों चरणों को आपने जब क्रैक कर लेंगे तो फिर आपके पास तीसरा स्टेप आता है सीएचएसएल टीयर थर्ड। टीयर थर्ड की बात करें, टीयर थर्ड में कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल है। टीयर थर्ड में आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्टिंग किया जाएगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। अगर आपने टीयर थर्ड की बात करें तो इसमें अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी है तो आप टीयर थर्ड क्रैक कर जाएंगे। यहां पर जब टीयर थर्ड आपने क्रैक कर गए, टाइपिंग स्पीड में पास हो गए, तो टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के मार्क्स को जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास एक घंटे में 8000 शब्दों का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से कि अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक घंटे में 8000 शब्द की टाइपिंग की गति आपके पास होनी चाहिए, तो इस पोस्ट पे आप जा सकते हैं। आयो फ्रेंड्स, टीयर थर्ड समझ में आ गया हो, यानी टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड, तीनों को जब आप क्वालिफाइंग कर लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। यहां पर अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर सीएचएसएल का हमने सिलेबस पर डिस्कस कर लिया कि ये एग्जाम, ये स्टेप हमें क्रैक करने हैं। अब हम कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें कि सीएचएसएल का एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, इस पर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर इस पर बात करें तो प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की स्टडी आपको करनी चाहिए। अगर आप 5 से 6 घंटे की स्टडी करते तो मान के चलिए कि 4 से 5 महीने में आप सीएचएसएल का एग्जामिनेशन क्रैक कर जाएंगे कंफर्म। बस शर्त है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और 5 से 6 घंटे की स्टडी आपको पर डे करना है। वीक में एक दिन की छुट्टी आप रख सकते हैं। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करूं
पांच घंटे अगर आप स्टडी करते हैं, सिक्स डेज करते हैं, तो 30 घंटे की स्टडी आपकी पर वीक होगी। यानी पर वीक आपको 30 घंटे देने हैं। आपकी जिंदगी के सिर्फ 30 घंटे पर वीक अगर आप खर्च करते हैं, तो मान के चलिए CHSL का पेपर क्रैक होगा, कंफर्म क्रैक होगा। कैसे, आप समझिए। यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। आज दो सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला है अर्थमेटिक, दूसरा है एडवांस। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है पूरी तरह से 10th क्लास के स्टैंडर्ड पर बेस है। अर्थमेटिक में जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंस्टेंट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रेन स्पीड के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, मिक्सर एलिगेशन, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन अर्थमेटिक से आते हैं। एडवांस मैथ की बात करें, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, अगर आप पर वीक 10 घंटे की स्टडी करते हैं, ओनली सिर्फ 10 आवर्स मैथ पर देते हैं, तो मान के चलिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होगा उसको आप क्रैक कर जाएंगे। अब आगे चलते हैं, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो ये पूरी तरह से ग्रामर बेस पर आधारित होता है। आपकी पकड़ ग्रामर पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं करें, ध्यान रखें ग्रामर पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए ही चाहिए। अगर आप वीक में 10 घंटे ग्रामर पर फोकस करते हैं और साथ साथ में एक न्यूज़पेपर अगर आप डेली इंग्लिश का पढ़ते हैं, तो मान के चलिए कि इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आपका मजबूत हो जाएगा, कन्फर्म। यानी कि आपको ग्रामर पर फोकस करना है और वीक में 10 घंटे ग्रामर पे स्टडी करनी चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग से दो सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी सेक्शन है, ये मार्क्स गेन करने वाला सेक्शन है। फ्रेंड्स इसमें दो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, पहला वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें, आप इस सेक्शन में अगर 5 घंटे एक वीक भी देते हैं तो आपका ये सेक्शन बहुत ही मजबूत हो जाएगा और Tier 1 को क्रैक करने में ये रामबाण का काम करेगा। सबसे ज्यादा आप प्रैक्टिस लगाएं और साथ साथ में नोट्स पे फोकस करें, तो रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, कंफर्म। लास्ट और सबसे डेंजरस सेक्शन जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा भी और आपको बाहर भी करेगा, जनरल अवेयरनेस। CHSL में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस और करंट अफेयर्स, ये ऐसे सेक्शन है कि अगर आपकी कमांड इस पर है तो आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को बहुत ही मजबूत कर लेंगे। इस पे आपको फोकस करने की बात करें, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए, मेरा मानना है कि वीक में 5 से 6 घंटे तो आपको जनरल अवेयरनेस पे देना ही चाहिए। अगर इतना भी समय देते हैं तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। चले अब देखते हैं कंटेंट क्या क्या, कहां से क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले काम करना है एग्जाम विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट है, प्रैक्टिस सेट है, आप इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए फ्रूटफुल होगा और बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। यूट्यूब में बात करें तो मेरा चैनल है GS for Competition, GS for Competition को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको GS का सेक्शन बहुत ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बुक्स की बात करें तो मैथ के लिए RS अग्रवाल, M टायरा की बुक प्रेफर कर सकते हैं। ग्रामर की बुक की बात करें, जो आपके पास ग्रामर की बुक है रूल्स और रेगुलेशन के साथ, और अगर आपके पास किसी भी फैकल्टी का नोट्स है तो उसको रट जाइए ताकि कहीं गलती ना हो।
रीजनिंग के सेक्शन में भी आप नोट्स पे फोकस करें, किसी फैकल्टी का नोट्स ले लीजिए। जीएस के सेक्शन में मेरा यूट्यूब चैनल है, साथ साथ में एनसीईआरटी की बुक नोट्स करंट अफेयर्स डेली, इस पर आपको फोकस करना है। इतना कंटेंट भी अगर आप रेगुलर वे में पढ़ते हैं तो आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे तो आपको पोस्ट क्या मिलेगी, देखिए पोस्ट की बात करें इसमें चार सबसे मेजर पोस्ट हैं। मैंने यहां पे बेसिक पे एचआरए टीए ग्रोथ सैलरी इन हैंड सब पे मैंने एक साथ फोकस कर दिया ताकि आपको कोई भी कहीं पे भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। डीईओ पोस्ट के लिए आपकी बेसिक पे है 25,500, इसमें तीन सेक्शन है देखिए, जबकि यहां पर इन हैंड भी मैंने यहां पर आपको दे रखा है। एलडीसी के लिए 19,900 है, यहां पर इन हैंड देखिए 22,411 है। कोर्ट क्लर्क में भी 19,900 है, इन हैंड 20,369 रुपए आएंगे। पीए और एसए में 19,900 है, इन हैंड 18,770 रुपए आप पाएंगे। यहां पर आपको वीडियो रोक करके अगर देखना चाहे तो पूरा डेटा दे सकते हैं कि पोस्ट के साथ आपकी क्या सैलरी आपको मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू एंड टेक केयर।